शिलान्यास करके हमारे जनपद भदोही को ये उपहार भेंट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं लोकार्पण 37, शिलान्यास 37, जो कि 7 सालों में देश का नक्शा बदल दिया मित्रों, अब दुनिया की धरती को उतारता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश मित्रों, आपने सपा देखा, बसपा देखा, कांग्रेस देखा, इसी धरती पर मित्रों 12 बजे दिन में कोई बेटी स्कूटी से निकलती थी या कोई लड़का स्कूटर से निकलता था तो गुंडे रोक लेते थे, बेटी को छेड़ते थे और स्कूटर भी छोड़ा लेते थे मित्रों, स्कूटी भी छोड़ा लेते थे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज आदरणीय योगी शासन में 12 बजे रात को भी बेटी यदि भदोही के शहर में निकलेगी तो रेस्टोरेंट पे भोजन करके आती है, यदि कोई गुंडा छेड़ दिया मित्रों तो उसकी हैसियत नहीं कि वह गुंडा बचेगा, वह गुंडा मारा जाएगा मित्रों, बचेगा नहीं, ये योगी शासन है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है लोग बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली के बिल पर करंट आता था मित्रों, और थकाहारा किसान जब घर में पहुंचता था तो बिना रोशनी का रोटी खाता था और कीड़े मकोड़े गिर जाते थे। आज आदरणीय योगी जी के शासन में सरकार में मित्रों, और जब किसान हरा थका घर पहुंचता है बिजली के रोशनी में भोजन करता है और बीबी की शक्ल देकर भोजन करता है तो 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खाता है मित्रों, यह योगी शासन है मित्रों। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, आप क्या चाहते हैं सपा शासन को? आपने देखा है योगी शासन, आप योगी शासन देख रहे हैं मित्रों, आप अखिलेश का शासन देखे हैं, गुंडे सरेआम घूमते थे, गरीबों का मकान कब्जा करते थे। आज योगी सरकार में पानी मांगते हैं मित्रों और जेल के बाहर नहीं निकलते हैं, कब गाड़ी पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है मित्रों, और कब गुंडों का सफाया हो जाए कोई पता नहीं है। एक गुंडे अत्याचार करते थे, आज पहली बार इस शासन में आदरणीय योगी शासन में मित्रों गुंडे। आप ईमानदार नेतृत्व चाहिए, आपको तपस्वी नेतृत्व चाहिए, गरीबों का सेवा करने वाला नेतृत्व चाहिए, जातिवादी नेतृत्व नहीं चाहिए, परिवारवाद नेतृत्व नहीं चाहिए, वंशवाद नेतृत्व नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नेतृत्व नहीं चाहिए मित्रों, एक ईमानदार जात से ऊपर उठकर नेतृत्व चाहिए। आपके एक मतदान के कारण, आपके एक वोट के कारण मित्रों 5 लाख नौजवानों की नौकरी लगी और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा मित्रों, एक बिंद मिला हमें, कहा मेरे बेटी की